जी नमस्ते, मैं अशोक आर्य, अध्यक्ष श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर हूँ। आज यहाँ मैं इसलिए आपसे संबोधित हूँ कि ये जो नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास ने बनाया है, उसके अंदर जो प्रकल्प, जो नवाचार हम लोगों ने स्थापित किए हैं, उनके लोकार्पण का समय आ गया है और 26 तारीख को प्रातःकाल 10 बजे गुजरात के राज्यपाल माननीय महामहिम आचार्य देवव्रत जी के करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन होगा। संक्षेप में मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ है क्या। वस्तुतः ये NMCC जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, नवलखा महल कल्चरल सेंटर, इसमें है क्या। भारत के उन विलुप्त पृष्ठों को दिखाने का हमने यहाँ प्रयास किया है जिनको आज के टेक्स्ट बुक में जगह नहीं मिली है। ऋषि दयानंद भारत की संस्कृति के वैभव के अमर गायक थे। खुल करके उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में अपनी बात कही है कि भारत विश्वगुरु के आसन पर क्यों आसीन था। उसी को बनाते हुए ऋषि दयानंद के चार ग्रंथ प्रमुख हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश और पंच महायज्ञ विधि। इन चारों ग्रंथों को दृश्यमान रूप में किस प्रकार से हम दर्शकों को दिखा सकें, अपने बच्चों को दिखा सकें कि वो इनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक उपदेश की विधा कुछ अलग होती है, उसमें आजकल रुचि कम हो गई है, और जो दृश्य के साथ श्रव्य होता है वो प्रभाव ज़्यादा पैदा करता है। तो हमने उसी तरीके से यहाँ पर आर्यावर्त चित्र दीर्घ आए, बहुत सुंदर पुतलों के माध्यम से विभिन्न प्रांतों के परिधानों को उनको सजा करके यहाँ पर हमने संस्कार वीथिका बनाई हुई है, जिसमें गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत वो साधन बताए गए हैं जिन पर चल करके मानव वस्तुतः मानव बन सकता है। एक थिएटर हमने यहाँ बनाया है जिसमें साउंड क्वालिटी और जो सिस्टम्स लगाए हैं वो टॉप क्वालिटी के हैं, बिल्कुल टॉप क्वालिटी के। उन पर हम जो है बच्चों को देशभक्ति की फिल्में और इस तरह से महर्षि दयानंद, स्वामी शुद्धानंद, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा इत्यादि इत्यादि बहुत सारे जो हैं यहाँ दिखाते हैं। और उसके अलावा माता निर्माता भवती के जय घोष को सिद्ध करने के लिए हमने 10 ऐसी माताओं की सुंदर ऑयल पेंटिंग्स बच्चों के साथ बनाई हुई हैं, उन बच्चों के साथ जिन्होंने आगे चल करके भारत के इतिहास को प्रभावित किया था, एक दिशा दी थी, तो वो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। पंच महायज्ञ एक ऐसी वीथिका बनाई है, नित्य कर्म महायज्ञ क्यों कहा कि ये तो करने ही करने, आप कुछ करें ना करें, ये पर पांच यज्ञ आपको करने हैं। और वो यज्ञ कैसे हैं, इसमें कोई आडंबर की बात नहीं है, वो सबको करने हैं, बिल्कुल इसमें आवश्यक है अगर हम सृष्टि को संतुलित रखना चाहते हैं। वेदों के हमने पहली बार विश्व भर में जो वेद मंत्र हैं उनके अर्थों को भी दृश्यमान करने का प्रयास किया गया है। सर, पिछले एक साल में बनते बनते दर्शकों का, पर्यटकों का जो रेस्पॉन्स मिला है, जो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, वो हमारे लिए ऊर्जा। सर, 26 और 27 को किस तरीके प्रोग्राम, 26 को देखिए मैंने जैसे कहा आपको लोकार्पण होगा इसका, तो जैसे लोकार्पण का तरीका होता है दीप प्रज्वलन वगैरह उससे होगा, उसके बाद जो होने वाला है वो है दरअसल विद्वानों के संभाषण की प्रक्रिया होगी। पूरा 4 घंटे का वो कार्यक्रम है, 3.5-4 घंटे का, और उसके बाद जो है दूसरा सेशन शाम को 4 से 7:30 बजे तक होगा। मैंने जैसे बताया कि आज के युग में जब इंटरनेट ने बच्चों को इतना प्रभावित कर दिया, तो कोई ऐसे साधन क्या हो सकते हैं जो उन तक अपनी बात पहुंचा सके, जो पहुंचानी चाहिए, तो उसमें विचार विमर्श होगा, विद्वान के उद्बोधन। महल को लेकर जो शुल्क, इसकी डिटेलिंग ये कर दूँ, हमारे इसके पीछे मोटिव क्या था, रीजन क्या था, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। शुरू में हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, आर्यावर्त चित्र दीर्घ कोई आता ही नहीं था। फिर हमने एक ट्रायल के तौर पे 10 रुपये का शुल्क लगाया, तो हमारे आश्चर्य का कोई पारावार नहीं रहा, लोग आने लगे। मगर पर्यटक को क्या लगता है कि यहाँ अगर 10 रुपये का शुल्क दे रहे हैं तो कुछ है। उस समय केवल एक चित्र दीर्घ थी, अभी बहुत सारा कुछ बन गया है और उसमें बहुत सारा व्यय भी होता है, परंतु कॉमर्शलाइज करने का हमारा न कल मन था न आज मन है, इसलिए हमने 30 रुपये का टिकट, टोकन टिकट केवल इसलिए रखा है कि इसके बिजली इत्यादि का जो है वो निकल सके, उसमें 20 रुपये स्टूडेंट है। परंतु यहाँ मैं एक बात अंकित करना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य बच्चों तक पहुँचना है, इसलिए जो विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण
बाहर से आते हैं, अगर वो हमें पूर्व सूचना करके परमिशन लेते हैं तो उनको भी निःशुल्क दिखाया, बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं। और उदयपुर के तो मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, जितने भी विद्यालय हैं उनके संचालकों को, व्यवस्थापकों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपके लिए ही बनाया है। आपके शैक्षणिक भ्रमण जब भी होंगे आप हमें सूचित करिए, हम स्वागत करेंगे। हमने एक चीज़ और बताएं आपको, हर जगह गाइड का शुल्क लगता है, मेरा ऐसा विचार है। हमने दो गाइड रखे हुए हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट गाइड हैं अपने मामले में वो, और वो दोनों निःशुल्क काम करते हैं।